हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 10 फिजिक्स का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में सारी बातें की थी, मिरर्स के बारे में सारी बातें की थी। और मिरर्स में हमने तीन तरह के मिरर्स के हमने दो तरह के मिरर्स के बारे में पढ़ा था, मेनली प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। और फिर स्फेरिकल मिरर के अंदर में हमने दो तरह के मिरर्स के बारे में पढ़ा, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर तब कहलाता है जब बेंटिन सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है और बल्गिंग आउट सिल्वर्ड होता है, और कन्वेक्स तब कहलाता है जब आप बल्गिंग आउट को क्या करते हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रूप में यूज करते हो और बेंटिन को सिल्वर करते हो। तो ये कनकेव और कन्वेक्स मिरर था। तो अब हमने कनकेव मिरर में बनने वाले इमेज भी देख लिए कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहाँ पर इमेज बनेगा, कैसा इमेज बनेगा, और साथ ही हमने कन्वेक्स मिरर में भी देख लिया कि कैसा इमेज बनेगा। वो सारी बातें आप क्लियर कर चुके हैं। तो आज हमें एकदम छोटा सा लेक्चर है जिसमें हमें बात करना है कि इन मिरर्स का यूज क्या है। जैसे हमने प्लेन मिरर जब पढ़ा था तो प्लेन मिरर के यूजेस देखे थे कि लुकिंग ग्लास के रूप में इस्तेमाल होता है, पेरिस्कोप में इस्तेमाल होता है, कैलिडोस्कोप में इस्तेमाल होता है, ब्लाइंड टर्न्स पर प्लेन मिरर का इस्तेमाल होता है। तो प्लेन मिरर के यूजेज थे। ठीक उसी तरह हमें आज ये देखना है कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के क्या यूजेज हैं। आई होप आप सभी घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो स्फेरिकल मिरर्स, देखिए हेडिंग है यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। तो आप जानते हो स्फेरिकल मिरर्स दो है, कनकेव और कन्वेक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कनकेव मिरर का क्या क्या यूज है और फिर हम देखेंगे कन्वेक्स मिरर का क्या क्या यूज है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कनकेव मिरर का क्या यूज है। देखिए कनकेव मिरर का जो सबसे पहला इस्तेमाल है वो डॉक्टर्स यूज करते हैं उसका। डॉक्टर कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। अब आप कहोगे सर डॉक्टर क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो खास करके जो ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, ईएनटी स्पेशलिस्ट, ध्यान से सुनिएगा। ईएनटी, ईएनटी का मतलब क्या है, कहीं पर बुक्स में लिखा रहता है ईएनटी। ईएनटी का मतलब है ईयर नोज टीथ, यानी कान नाक दांत के जो डॉक्टर होते हैं, कान नाक दांत ये सब के जो डॉक्टर होते हैं ना, वो कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं लाइट को फोकस करने के लिए बॉडी के उस पार्ट पर जिसे उन्हें एग्जामिन करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी डॉक्टर को किसी पेशेंट के गले में देखना है, तो आप जनरली क्या कहोगे, आप गले के अंदर, अगर गले में देखना है कि अंदर में, तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, टॉर्च जलाते हैं। अभी के लिए तो चलो टॉर्च जलाते हैं, लेकिन अगर टॉर्च के जगह आप चाहो तो कनकेव मिरर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर्स के हेड के ऊपर में एक मिरर लगा होता है, कनकेव मिरर लगा होता है, और वहां बल्ब जल रही होती है, डॉक्टर वहां बैठाते हैं। अब मुंह में तो बल्ब नहीं घुसाएंगे देखने के लिए, अब अगर मान लो कि देखना है गले में तो मुंह में बल्ब थोड़े घुसेगा, तो बल्ब तो बाहर लटका हुआ है, और उसके माथे पे क्या होता है, एक कनकेव मिरर लगा होता है। तो वो कनकेव मिरर क्या करता है, बल्ब से आने वाली रोशनी को घुमाता है किधर की तरफ, उसके उस पार्ट की तरफ जिस पार्ट को डॉक्टर को एग्जामिन करना है। लाइक अगर ईयर को एग्जामिन करना है तो कान में देखेंगे तो कान में वो फोकस होगा, या नाक के अंदर देखना है या गले को देखना है, समझ रहे हो ना, तो वो फोकस करने में काम आता है, बॉडी के उस पार्ट पर लाइट को रिफ्लेक्ट करने में, लाइट को उस पार्ट पर वो भेजता है जहां पर डॉक्टर को एग्जामिन करना है। तो जनरली ये कौन इस्तेमाल करते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट, यानी कि ईयर नोज टीथ स्पेशलिस्ट। गले का भी डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जहां कहीं आपके क्वेश्चंस में हो कि डॉक्टर्स किस मिरर का इस्तेमाल करते हैं या ईएनटी स्पेशलिस्ट किस मिरर का इस्तेमाल करते हैं, तो आप आंसर दोगे क्या, कनकेव मिरर। क्या आंसर दोगे, कनकेव मिरर। नोट्स अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, नोट अवेलेबल है, डाउनलोड कीजिए, सारी यूजेज वहाँ लिखी हुई है, इसलिए मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे बस एक्सप्लेन करना है। नोट्स में लिखा हुआ है, जो नोट्स में लिखा हुआ है आपको लिखना है, ठीक है। तो पहला यूज हो गया कनकेव मिरर का। तो कनकेव मिरर इज यूज्ड बाय ईएनटी स्पेशलिस्ट, विच मीन्स ईयर नोज एंड टीथ स्पेशलिस्ट, टू एग्जामिन द बॉडी पार्ट्स, टू फोकस द लाइट ऑन द बॉडी पार्ट्स, यानी कि बॉडी पार्ट जिसे वो एग्जामिन करना है उस पार्ट पर वो लाइट को फोकस करता है। पहला यूज हो गया कनकेव मिरर का। दूसरा इस्तेमाल कनकेव मिरर का क्या होता है, कनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है सेविंग मिरर्स के रूप में, या सबसे पहले अगर हम यहां यूजेज लिखे छोटे छोटे बातें में अगर हम लिखना चाहें तो हम सबसे पहले लिख सकते हैं यूज बाय ईएनटी स्पेशलिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट, दिस इज द फर्स्ट यूज। एंड द सेकेंड यूज मैं क्या कह रहा हूं, यूज एज सेविंग मिरर, जो सेव करना, सेव करते हैं हम लोग, सेव समझते हो ना, दाढ़ी मूछ बनाना, तो सेविंग मिरर और मेकअप मिरर, और मेकअप मिरर, सेविंग मिरर या मेकअप मिरर के रूप में भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। सेविंग कौन करेगा, लड़के करेंगे, मेकअप कौन करेगी, लड़कियां करेंगी। अब लड़के भी मेकअप करते हैं, ज्यादा ही करते हैं लड़कियों की तुलना में, तो वो तो अलग बात है भाई, वो अपना अपना च्वाइस है, तुमको मन हो तो फिर हैंडसम हौसले,
उससे नहीं मतलब है, लेकिन देखो शेविंग मिरर के रूप में और मेकअप मिरर के रूप में भी इस्तेमाल करते किसका, कनकेव मिरर का। क्यों? तो देखिए आप याद कीजिए, कनकेव मिरर का एक बड़ा अच्छा प्रॉपर्टी था कि कनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच जब आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे, कनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच तुम जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे तो ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इरेक्ट और मैग्निफाइड इमेज बिहाइंड द मिरर दिखेगा। ये आपको पता है कि कनकेव मिरर के पोल और फोकस, लेट सपोज दिस इज अ कनकेव मिरर, दिस इज अ कनकेव मिरर, दिस इज इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द सिल्वर पोर्शन, बल्किंग आउट को हमने सिल्वर किया, दिस इज पोल एंड दिस इज इट्स फोकस। तो अगर आप पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इसका मैग्निफाइड इमेज इमेज दिखता है ना आपको मिरर के पीछे, ये हमें पता है। पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो मिरर के पीछे बिहाइंड द मिरर हमें एक मैग्निफाइड इमेज दिखता है। तो इससे क्या होगा, आप मान लो कि दाढ़ी बनाने गए, आप शेव करने गए, तो छोटे छोटे बाल हैं आपके चेहरे के ऊपर, छोटे छोटे बाल हैं। तो अगर आप प्लेन मिरर का इस्तेमाल करोगे, सबसे पहली बात समझो, प्लेन मिरर का अगर इस्तेमाल करोगे तो जितना बड़ा आपका दाढ़ी का बाल है उतना ही बड़ा प्लेन मिरर में दिखेगा। तो अगर छोटा छोटा बाल है तो नजर नहीं आएगा, वो खत्म हो गया। अगर कोई कहता है सर कन्वेक्स मिरर का यूज करेंगे तो कन्वेक्स मिरर में तो छोटा बाल और छोटा हो जाएगा क्योंकि डिमिनिश इमेज बनाता है तो और छूटने का डर है। लेकिन अगर हम कनकेव मिरर का इस्तेमाल करें तो कितना अच्छा होगा, कनकेव मिरर मेरे सामने होगा, हम उसके सामने चेहरा रखेंगे और हम तो पास में ही चेहरा रखेंगे, ऐसा थोड़े मिरर को वहां रख देंगे हम यहां खड़े होंगे, अरे मिरर को ऐसे चेहरा के सामने रखेंगे और जब चेहरा के सामने रखेंगे तो जो जो हमारे हेयर है, हमारे जो फेस हेयर है, जो दाढ़ी है या मूंछ है, वो बड़ा बड़ा दिखेगा। तो उसको क्या होगा, सेव करना इजी हो जाएगा, कटने का डर नहीं होगा या कुछ भी छूटने का डर नहीं होगा, तो बेटर सेव कर पाएंगे उससे हम। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से कि कनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वर्चुअल मैग्निफाइड डायरेक्ट इमेज हमें मिरर के पीछे मिलता है, इस प्रॉपर्टी की वजह से इसका इस्तेमाल सेविंग मिरर के रूप में किया जाता है। जो ठीक इसी प्रॉपर्टी की वजह से मेकअप मिरर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। मेकअप मिरर, अगर मान लो कोई आदमी मेकअप कर रहा है, कोई लड़की मान लो कि मेकअप कर रही है, एक मिनट के लिए हम लोग लड़की को ही कंसीडर करके करते हैं, अब मान लो कोई मेकअप कर रहा है, तो मेकअप कर रहा है मान लो कि जैसे कि सपोज करो, लेट सपोज वो लिपस्टिक लगा रही है एक मिनट के लिए, तो अगर मान लो कि वो लिपस्टिक लगा रही है तो लगाते वक्त उसको क्या होना चाहिए, कोई चीज अगर वो उसको बड़ा दिखेगा तो बेटर लगा पाएगी, हर जगह एक तरह से लगा पाएगी, कहीं मोटा कहीं पतला नहीं, ये नहीं कि कहीं खूब मोटकर हो गया, कहीं पे खूब दुबले पतला रह गया, मतलब पतला ही रह गया, या मान लो फेस पाउडर ही लगा रही है। तो जनरली आप देखते होंगे फेस पाउडर का जो डिब्बा आता है किसी भी कंपनी का, लैक्मे हो या किसी भी कंपनी का, फेस पाउडर का डब्बा देखिएगा तो डब्बे के ढक्कन में एक मिरर लगा होता है। आप जनरली देखिएगा डब्बे के ढक्कन में एक मिरर लगा होता है, वो मिरर होता है कनकेव मिरर, क्योंकि उस मिरर को अगर आप कभी यूज कीजिएगा, अगर घर में दीदी या माँ किसी का हो फेस पाउडर वाला डिब्बा, तो उसमें अगर आप चेहरा देखोगे तो आपको बड़ा चेहरा दिखेगा, बिकॉज वो होता है कनकेव मिरर। तो उसमें देखने पर क्या होगा, फेस थोड़ा सा जूम हो जाएगा, मतलब मैग्नीफाइड होने का मतलब क्या है, जूम हो जाएगा। जूम हो जाने पर क्या होगा, बेटर तरह से हम वो पाउडर अप्लाई कर पाएंगे, समझ गए ना बात, हमें अच्छे से दिख पाएगा। तो कनकेव मिरर का इस्तेमाल मेकअप मिरर के रूप में भी किया जाता है, सेविंग मिरर के रूप में भी किया जाता है। आप याद रखोगे कि मेकअप मिरर या सेविंग मिरर के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, कनकेव मिरर का। क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो वर्चुअल इरेक्ट और मैग्निफाइड इमेज देखने को मिलेगा। इस प्रॉपर्टी की वजह से इसका इस्तेमाल मेकअप मिरर या सेविंग मिरर के रूप में किया जाता है। अब अगला बात करें, अगला यूज, तो इसका इस्तेमाल नेक्स्ट अगर हम यूज देखें, थर्ड यूज, तो ये यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स, यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स, ये रिफ्लेक्टर के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं इन हेडलाइट्स एंड सर्च लाइट्स, हेडलाइट्स एंड सर्च लाइट्स। क्या मतलब है इसका, जरा ध्यान से देखिएगा। कभी आपने अगर हेडलाइट, जानते हो आप जो व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियां होती हैं, उनमें हेडलाइट्स लगा होता है या टॉर्च होता है, कुछ भी आपने देखा हो, तो जनरली वो जो, अगर मान लो एक जगह पर हम कोई बल्ब जलाते हैं, एक मिनट के लिए सोचो, यहां पर अगर हम एक बल्ब जलाएं तो बल्ब की रोशनी चारों तरफ जाएगी, इधर भी जाएगा चारों तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर मान लो हम बाइक पर बैठे हैं और हम बाइक चला रहे हैं, तो हमको चारों तरफ रोशनी चाहिए कि सड़क पर रोशनी चाहिए, ऑब्वियस हमें सड़क पर रोशनी चाहिए, हमें क्या पता सड़क के किनारे क्या है, हमें तो बस सड़क पर रोशनी चाहिए। तो हम क्या चाहेंगे कि चारों तरफ का लाइट किधर घूम जाए, रोड की तरफ घूम जाए, एक पैरेलल बीम बन जाए, हम ये चाहेंगे ना। अगर मान लो यहां पर एक बल्ब है, यहां पर एक बल्ब हमने जलाया, लेट सपोज यहां पर हमने एक बल्ब जलाया, दिस इज द सिंबल ऑफ बल्ब इन फिजिक्स, फिजिक्स में बल्ब का सिंबल होता है ये, दिस इज द सिंबल ऑफ बल्ब इन फिजिक्स। मान लो ये बल्ब जल रहा है, तो अगर ये बल्ब जल रहा है तो बल्ब की रोशनी चारों तरफ जा रही है, लेकिन हम चाहते हैं सड़क इधर है, हम सिर्फ इधर रोशनी चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक कनकेव मिरर लगा देंगे। भाई जरा ध्यान से देखना, कनकेव मिरर लगाने के बाद क्या होगा, और इस बल्ब को हम रख देंगे कहां पर, फोकस पर,
कहां पर रख देंगे? फोकस पर। तो फोकस से आने वाली सारी लाइट रेज मिरर से टकराने के बाद, याद करो यूजेज ऑफ रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन में हमने पढ़ा था कनकेव मिरर में कि जो लाइट रे फोकस से आएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो यहां से जाने वाली सारी लाइट रेज क्या होंगी? क्या पैरेलल हो जाएंगे? और ये लाइट तो इधर जा ही रहा है, ये लाइट सब तो इधर जा ही रहा है, और जो लाइट रे यहां से टकराएगा ये सारा लाइट रे यहां से निकल के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो इस तरफ हमें एक पैरेलल भी मिलेगा ना, समझ गए? तो ये कनकेव मिरर लगाया क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्ट, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्टर। तो कनकेव मिरर का इस्तेमाल रिफ्लेक्टर के रूप में किया जाता है इन हेडलाइट समझ गए, गाड़ी उड़ी के हेडलाइट में, या सर्च लाइट क्या होता है? आपको सर ये सर्च लाइट क्या होता है? तो सर्च लाइट अगर आप देखे हो सीमा पे जो होता है बॉर्डर पे बड़े बड़े लाइट्स लगाए जाते हैं और उसमें बड़ा बड़ा कनकेव मिरर लगा होता है और उस लाइट को घुमाते रहता है बाउंड्री पे कि कोई आदमी पाकिस्तान से इंडिया में घुस जाए, समझ गए ना? फौजी सब घुमाते रहता है बड़ा, उसमें बड़ा पावरफुल लाइट होता है वो, समझ गए? तो सर्च लाइट्स में ये होता है, तो उसमें भी कनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। ये टॉर्च आप ले लीजिए, टॉर्च में भी देखिए जब टॉर्च को आप जलाते हो तो टॉर्च की रोशनी चारों तरफ जाती है कि एक पैरेलल बीम में जाती है। क्यों? क्योंकि उस बल्ब के पीछे एक कनकेव मिरर लगा होता है और वो जो बल्ब होता है वो उस कनकेव मिरर के फोकस पे होता है। तो बल्ब से जितनी भी रोशनी निकलती है उस रिफ्लेक्टर से टकराने के बाद किधर हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, यानी हमें एक पैरेलल बीम मिलता है। यही रीजन है कि अब तो चलो टॉर्च नहीं आया, पुराने जमाने में टॉर्च आता था तो उसको सेट करना पड़ता था फोकस को। कई बार ऐसा होता था कि बल्ब गड़बड़ा जाता था तो हम इसे घुमा घुमा करके सेट करते थे कि लाइट पैरेलल बीम में हो जाए। आप लोग नहीं देखे होंगे जो हम लोग के समय में वो बल्ब आता, 3 बैटरी लगा करके पीला वाला रोशनी निकलता था टॉर्च में से, तो उसको सेट करना पड़ता था घुमा घुमा करके कि फोकस हो जाए, पैरेलल बीम मिल जाए। तो याद रखिएगा कि कनकेव मिरर में ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके फोकस से आने वाला लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। इस प्रॉपर्टी की वजह से इसका इस्तेमाल हम रिफ्लेक्टर के रूप में करते हैं जिससे कि हम एक पैरेलल बीम प्राप्त कर सके। बस हमें करना क्या है, पीछे में एक कनकेव मिरर लगाना है और आगे में क्या करना है, एक बल्ब लगाना है। कहां पर? उसके फोकस पर। हमें पैरेलल बीम खुद ब खुद मिल जाएगा। तो इस ये भी एक कनकेव मिरर का यूज हो गया रिफ्लेक्टर्स के रूप में हेडलाइट और सर्च लाइट में। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके इस प्रॉपर्टी ये भी इसका इस्तेमाल है। इसके बाद अगर देखिए तो सोलर फर्नेसेज में इसका इस्तेमाल होता है, इन सोलर फर्नेसेज। नेक्स्ट है चौथा, हम लिख सकते हैं यूज इन सोलर फर्नेसेज। नोट में सारी बातें लिखी हुई है, यूज इन सोलर फर्नेसेज। सोलर फर्नेसेज क्या होता है? सोलर फर्नेसेज का हिंदी हो गया सोलर भट्टी। भट्टी जानते हो आप, जो कोई चीज गर्म करने के काम आता है जिसमें उसे हम भट्टी कहते हैं। तो सोलर फर्नेस, अगर आप देखोगे सोलर फर्नेस क्या होता है, बड़े बड़े कनकेव मिरर होते हैं, बड़े बड़े साइज के कनकेव मिरर। ये कनकेव मिरर, बड़ा बड़ा साइज का कनकेव मिरर। और लाइट रेज कहां से आ रही है? सारी की सारी लाइट रेज सन से आ रही है। लेट सपोज सन से लाइट रेज आ रही है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो सनलाइट कहां से आ रही है? लेट सपोज सनलाइट सन से आ रही है। तो अगर ये कनकेव मिरर है, अगर ये क्या है, कनकेव मिरर है, ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस ये रिटर्न कर जाएगा, तो ये क्या करेगा, सारी लाइट रेज को एक पॉइंट पर मिला देगा ना। अब हम सभी जानते हैं कि कनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है नेचर में। कनकेव मिरर नेचर में कैसा होता है? कन्वर्जिंग होता है। तो देखो ये सन से आने वाली सारी लाइट रे को एक पॉइंट पे ले आया कि नहीं ले आया? और अगर एक पॉइंट पे ले आया तो यहाँ गर्मी बहुत अधिक होगी ना, तो किसी भी चीज को अगर हमें जलाना है या उसे पिघलाना है तो फर्नेसेज का इस्तेमाल जनरली मेटल्स को पिघलाने में किया जाता है, समझ गए ना? जैसे मान लो कोई मेटल है उसे मेल्ट करने में, उसको पिघलाने में इस्तेमाल किया जाता है फर्नेसेज का। तो अगर कोई चीज़ हमें पिघलाना है, कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा गर्म करना है, तो हम सोलर फर्नेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर फर्नेस सन के एनर्जी को एक पॉइंट पर जमा करता है और जिससे किसी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा गर्म कर सकते हैं या उसे मेल्ट कर सकते हैं। और ये जो अरेंजमेंट होता है उसे हम कहते हैं सोलर फर्नेस। और सोलर फर्नेस में सनलाइट को एक जगह कलेक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? कनकेव मिरर का, समझ गए? अब यहाँ पर कुछ बच्चे होंगे जो कहेंगे सर हम लोग, आप भी याद कीजिए, आप भी बचपन में कभी ना कभी किए होंगे, लेंस लिए होंगे, लेंस और लेंस से कागज में आग लगाने का ट्राई जरूर किए होंगे। प्रकाल बॉक्स में आता था, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आता था लेंस, तो बच्चा सब वही उस लेंस का वो काम करता था बच्चा, कागज में आग लगाएंगे, ठीक है ना? तो कागज में आग लगाने का आप ट्राई करते थे। क्यों वो आग लग जाता था? क्योंकि वो जो लेंस होता था वो उतने दूर में आने वाले सनलाइट को एक जगह पर जमा कर देता था, तो वहां गर्मी बहुत अधिक हो जाती थी, तो आग लग जाता था। आप देखते थे हिल जाता है, नहीं आग लग जाता, तुमको दोस्त कहता कहां लग रहा है रे, तो कहता अरे चट्टा हिल रहा है, उसको हिलना बंद करो, एक जगह पर पकड़ के रखो, देखो। तो
लगता था, सही में लगता था। तो जैसे धूल, अब सोचो उतना ही बड़ा लेंस में इतना कमाल हो सकता है। तो बड़ा बड़ा अगर हम कन के मिरर लगा दे तो बहुते लाइट रे को एक पॉइंट पे जमा करेगा, और जब बहुते लाइट रे को एक पॉइंट पे जमा करेगा तो वहां की गर्मी बहुत अधिक हो जाएगी ना। तो वहां पर हम किसी भी चीज को फर्नेस की तरह काम करेगा, वहां पर आप किसी चीज को गर्म कर सकते, बहुत ज्यादा गर्म कर सकते, किसी चीज को मेल्ट कर सकते। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। सो सोलर फर्नेसेज में इसका इस्तेमाल हो गया, सेविंग मिरर के रूप में इस्तेमाल हो गया, मेकअप मिरर के रूप में इस्तेमाल हो गया। आप इसे हेडलाइट, सर्च लाइट में रिफ्लेक्टर्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, टॉर्च में भी इसका रिफ्लेक्टर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, और सोलर फर्नेसेज में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यही चार यूजेज आप याद रखोगे किसका, कनकेव मिरर का। दीज आर द फोर यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। बोर्ड्स में अगर पूछा तो यही चार में से कोई एक हमें लिख देना है। समझ गए बात, एक नहीं अगर चारों पूछे, अगर यूजेज ऑफ कनकेव मिरर पूछे तो तीन चारों याद रखो। और अब हम देखते हैं किसका, अब हम देखते हैं कन्वेक्स मिरर का, कि कन्वेक्स मिरर का क्या यूज है, उस पर अब हम बात करेंगे। तो देखिए कन्वेक्स मिरर, आपको ये याद रखना चाहिए कि कनकेव मिरर नेचर में कैसा होता है, कन्वर्जिंग, और कन्वेक्स मिरर नेचर में कैसा होता है, डाइवर्जिंग। कन्वेक्स मिरर नेचर में होता है डाइवर्जिंग, वो लाइट को छितराने का काम करता है, और कनकेव मिरर लाइट को जमा करने का काम करता है। तो कनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग इन नेचर, एंड कन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग इन नेचर। तो हम देखते हैं कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो सबसे पहले कन्वेक्स मिरर का अगर आप इस्तेमाल देखोगे तो कन्वेक्स मिरर का सबसे पहला यूज, अगर आप कन्वेक्स मिरर का देख रहे हो तो कन्वेक्स मिरर का जो सबसे पहला यूज है वो आप ये समझ लो, इसका इस्तेमाल रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। सबसे पहला, ये सबसे महत्वपूर्ण यूज है इसका, यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। यानी जो गाड़ियां होती हैं, जो गाड़ियां चलती हैं व्हीकल्स, जो गाड़ियां चलती है सड़क पर, उनमें अगर मान लो कि ड्राइवर कहीं जा रहा है, ड्राइवर को टर्न लेना है, तो उसे ये ध्यान रखना पड़ेगा ना कि पीछे से कोई आगे ठोक ना दे। ये तो ध्यान रखने की जरूरत है ना। मान लो कि तू जा रहा है, तुम टर्न लेना है, या मान लो तुम चला ही रहा है, तो तुम आगे तो तुम्हारा आँख है, भगवान ने आगे की ओर आँख दिया, तुम आगे को तो अपने आँख से देख रहे हो, पीछे तो आँख नहीं है। अरे पीछे आँख नहीं है तेरे, तेरे पीछे आँख नहीं है, तो पीछे से कोई आएगा ट्रक वाला तुमको उड़ा के चल जाएगा। तो देखना है ना कि पीछे से कौन आ रहा है, नहीं आ रहा है, पीछे में ट्रैफिक कैसा है, पीछे वाला ट्रैफिक भी तो हमें देखना है। या मान लो कि अगर मान लो कि कोई आदमी कार चला रहा है और उसे गाड़ी पार्क करना है, तो उसे बैक लगा रहा है, बैक कर रहा है गाड़ी, तो कैसे देखेगा, ऐसे मुंह निकाल के देखेगा, तो आगे कौन देखेगा, मतलब सारा चीज समझ रहे हो ना। तो पीछे भी देखना जरूरी है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कन्वेक्स मिरर का। किसका इस्तेमाल करते हैं, कन्वेक्स मिरर का, रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मतलब पीछे देखने में जिस मिरर का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कहते हैं रियर व्यू मिरर। समझ गए, तो रियर व्यू मिरर के रूप में हम कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन उठता है क्यों हम रियर व्यू मिरर के रूप में कन्वेक्स मिरर का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं। इसके दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि ये ईच एंड एवरी सिचुएशन, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, ये वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज ही बनाएगा। दिस इज द फर्स्ट रीजन। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन जनरली सीबीएसई पूछ लेता है बोर्ड्स में, कि व्हाई कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर। हम लिखेंगे कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर ड्यू टू फॉलोइंग टू रीजंस। दो रीजन जो मैं बता रहा हूं उसी वजह से। फर्स्ट, कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। इसका क्या फायदा है देखो, चाहे अब तुम मान लो कि तुम सपोज करो तुम कार चला रहे हो या तुम बाइक चला रहे हो, चलो ठीक है कार तुमने अगर ऊपर लग रहा है तुमसे तो बाइक तो चलाया होगी जिंदगी में। लेट सपोज तुम बाइक चला रहे हो, बाइक में भी तो रियर व्यू मिरर होता है, दो दो मिरर होता है दोनों तरफ। तो उस मिरर को अगर तुम देखो तो पता चलो, अब मान लो कि ट्रक बहुत पीछे है, तो बहुत पीछे है तो वो भी तो दिखना चाहिए इसमें। अगर कनकेव मिरर का इस्तेमाल करता तो बहुत दूर होता तो रियर व्यू इमेज बना देता, तो पर्दा लगाना पड़ता, तब क्या करना पड़ता, पर्दा लगाना पड़ता। दूसरा डिमिनी, तो दूसरा क्या होता, दूसरा वो इन्वर्टेड हो जाता, तो तुम देख के चौंक जाते, ट्रक का पहिया ऊपर है या ट्रक नीचे जा रहा है, रोड तो पलट गया पीछे में, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता ना। तो इरेक्ट इमेज चाहिए हमें ईच एंड एवरी सिचुएशन में, कैसा इमेज चाहिए, इरेक्ट इमेज चाहिए। तो ये काम कौन करेगा, कन्वेक्स मिरर ईच एंड एवरी सिचुएशन में। अब तुम कहेगा सर प्लेन मिरर में भी ईच एंड एवरी सिचुएशन में बनेगा इरेक्ट, तो प्लेन मिरर क्यों नहीं लगाए, कनकेव क्यों नहीं लगाए, वो तो समझ में आ गया, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा वो, दूर के ऑब्जेक्ट का जो है रियल इन्वर्टेड इमेज बना देगा, तो वो हम नहीं यूज करेंगे। प्लेन मिरर तो सर लगा सकते हैं। तो देखो प्लेन मिरर लगे क्यों नहीं लगाते हैं, इसका दूसरा रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि
कन्वेक्स मिरर हैज अ लार्जर फील्ड ऑफ व्यू. सेकेंड रीजन इज कन्वेक्स मिरर हैज अ लार्जर फील्ड ऑफ व्यू, यानी कि कन्वेक्स मिरर का जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू प्लेन मिरर. मतलब क्या है इसका? मतलब ये है बउआ कि तुम सामने में एक प्लेन मिरर लगाओ और सामने में एक कन्वेक्स मिरर लगाओ, दोनों लगा दो. दोनों मिरर में अगर देखोगे ना तो प्लेन मिरर जितना बड़ा एरिया दिखाएगा ना उस मिरर के अंदर, उससे ज्यादा बड़ा एरिया तुमको किसमें दिखेगा? कन्वेक्स मिरर में दिखेगा. यानी उसका फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू देखिए, फील्ड ऑफ व्यू जब आप हायर क्लास में जाओगे एक सर्टेन टॉपिक बनेगा फील्ड ऑफ व्यू. ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू पे हम लोग क्लास खुलेगी तो उस पर बात कर सकते हैं, एक दिन लेक्चर दे सकते हैं फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है नहीं होता है, हम लोग बहुत सी बातें उस पर कर सकते हैं. लेकिन अभी के लिए लेक्चर लंबा हो जाएगा तो आप इतना ही समझिए कि फील्ड ऑफ व्यू का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि अगर हम कह रहे हैं कि कन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू अधिक है, इट मीन्स कन्वेक्स मिरर ज्यादा बड़ा एरिया दिखाएगा एज कंपेयर टू प्लेन मिरर. प्लेन मिरर में अगर तुम देखोगे तो जितना बड़ा एरिया तुम्हें दिखेगा उससे ज्यादा बड़ा एरिया किसमें दिख जाएगा? कन्वेक्स में दिख जाएगा, क्योंकि कन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू अधिक है. ठीक है ना, यानी कि आपको बहुत बड़ा रीजन दिख जाएगा. दूसरी बात, वो छोटा छोटा करके बहुत सारा चीज दिखा देगा, सब चीज छोटा छोटा करके दिखाएगा तो ज्यादा चीज उसके अंदर दिखेगा ना. अब प्लेन मिरर तो सेम साइज का दिखाएगा तो उतना ज्यादा उसमें नहीं दिखेगा. तो याद रखिएगा, अगर आपको यहां पर कुछ ना आ रहा हो तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए कि कन्वेक्स मिरर इज यूज एज रियर व्यू मिरर ड्यू टू फॉलोइंग टू रीजंस. फर्स्ट, बिकॉज कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, दिस इज द फर्स्ट रीजन. एंड सेकेंड रीजन इज कन्वेक्स मिरर हैज द लार्जेस्ट फील्ड ऑफ व्यू, यानी जो तीनों मिरर है आपके पास, प्लेन, कनकेव और कन्वेक्स, उसमें सबसे बड़ा फील्ड ऑफ व्यू किसका है? कन्वेक्स मिरर का. प्लेन मिरर का भी फील्ड ऑफ व्यू बड़ा है लेकिन वो कन्वेक्स मिरर के जितना बड़ा नहीं है, कनकेव का तो बहुत छोटा है, कनकेव का तो बहुत छोटा है. तो ये समझ गए आप, तो इसलिए रियर व्यू मिरर के रूप में इस्तेमाल होता है. सेकेंड, अगर इस्तेमाल देखें इसका, अगर आप सेकेंड इस्तेमाल देखते हैं कन्वेक्स मिरर का, सर दूसरा यूज बता दीजिए. एक यूज तो रियर व्यू मिरर के रूप में हो गया, दूसरा यूज इसका होता है यूज एज स्पाई मिरर. स्पाई मिरर, ये क्या होता है स्पाई मिरर? देखो, आज के समय में अगर आप किसी भी दुकान में जाते हैं, दुकान थोड़ा सा भी बढ़िया हो, थोड़ा स्टैंडर्ड हो, तो सीसीटीवी लगा होता है सामने में. सामने में क्या होता है, एक टीवी लगा होता है और सीसीटीवी दुकान में अलग अलग जगह पे लगा होता है और दुकानदार उस सीसीटीवी से पूरे दुकान पे नजर रखता है कि कहाँ क्या है, नहीं आ रहा है, कौन सा नौकर चुरा के बिस्कुट डिब्बा जेबी में रख लिया, कौन बिस्कुट निकाल निकाल के खा रहा है पीछे में, समझ रहे हो ना, एक मतलब कॉमेडी था. तो मतलब ये तो नजर रखना है आपको, दुकान अगर आप चला रहे हो तो आपको नजर रखना है कि मेरे दुकान में कहाँ क्या हो रहा है. चलो, अब सीसीटीवी आ गया, एक समय में तो सीसीटीवी नहीं था, सीसीटीवी तो हाल में आया है. तो पहले क्या करता था, तो पहले हम कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते थे. किया करता क्या था, जहां पर मालिक बैठता था, दुकान का मालिक, वो अपने सामने में, जैसे मान लो कि यहां बैठा, यहां पर उसका कुर्सी है, तो सामने में एक कन्वेक्स मिरर लगाता था और उस कन्वेक्स मिरर के अंदर पूरे दुकान का इमेज बनता था, क्योंकि कन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू बहुत अधिक है. तो पूरा दुकान का इमेज कहां दिख जाएगा? उस कन्वेक्स मिरर में. और वो बैठ के चुपचाप क्या देख रहा है? उस मिरर में देख रहा है, कन्वेक्स मिरर में, और पूरा दुकान उसको दिख रहा है. नौकर साहब पीछे ने सोचा कि मालिक तो कहीं और देख रहे हैं, चलो आराम से वो बिस्कुट डिब्बा निकालते हैं, फाड़ते हैं, बटर बैग चला देते हैं, द मालिक देख लेगा, 5 रुपया काट लेगा उसके दरमाहा में से, नहीं समझा बात. तो स्पाई मिरर हुआ ना, ये नजर रख सकता है. तो शॉप्स में इस्तेमाल यहाँ पर आप लिख सकते हो, यूज एज स्पाई मिरर इन शॉप्स. दुकान में इसका इस्तेमाल स्पाई मिरर के रूप में किया जाता है, पूरे दुकान पर इसका नजर रखने के लिए मालिक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. तो सीसीटीवी में तो बिजली बिल भी आता है, हार्ड डिस्क भी लगाना पड़ता है, टीवी भी लगाना पड़ता है, कितना सारा काम करना पड़ता है, उसमें तो कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, बस एक मिरर लगा दो, पूरी दुकान पर नजर रखो. लेकिन एक फायदा भी है, सीसीटीवी रिकॉर्ड करके रखेगा. नौकर भाई मान लो कि 5 टकिया बटर बैग खा गया, तुम रुपया साझ में काट लिया, नौकर के कहना हम नहीं खाए, तुम कह नहीं तुम खाया, तो कह नहीं हम नहीं खाए, अब क्या होगा? अगर तू सीसीटीवी लगाया है तो तुम दिखा सकता है, देखो 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 तू फाड़ा, देखो तू बिस्कुट खाया. लेकिन कन्वेक्स मिरर में तो नहीं दिखा सकते हो, मिरर थोड़ी रिकॉर्ड करता है, मिरर तो रिकॉर्ड नहीं करता है. तो सबूत, सीसीटीवी मिरर सबूत के रूप में भी काम करेगा, समझ रहे हो ना बात, ये है. तो कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल हम स्पाई मिरर के रूप में कर सकते हैं इन शॉप्स, पूरे दुकान पर नजर रखने के लिए, समझ गए बात, यहां भी इस्तेमाल होता है. थर्ड यूज इसका अगर देखो तो जैसे हेडलाइट्स में रिफ्लेक्टर के रूप में कनकेव मिरर यूज किया जाता है, वैसे कन्वेक्स मिरर का भी इस्तेमाल रिफ्लेक्टर्स में किया जाता है. यूज एज रिफ्लेक्टर्स इन स्ट्रीट लाइट. स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट जानते हो, जो रोड सब पे बल्ब लगाती है गवर्नमेंट, जिससे कि रात के समय
कोई रोड पे चलते हो किसी का कोई कुछ छीन ना ले या राहगीरों को आने जाने में सुविधा हो, तो स्ट्रीट लाइट लगाता है, गलियों में बल्ब लगाता है। तो अगर कभी आप देखे हो स्ट्रीट लाइट, कभी जीवन में देखा ही होगा, अगर तुम कभी रहा हो कभी बढ़िया जगह पे तो देखा ही होगा। तो स्ट्रीट लाइट अगर तुम देखे हो कभी जीवन में, तो स्ट्रीट लाइट में क्या होता है, एक जगह पे लाइट आता है कि छितराया रहता है लाइट, एक बात बताओ। स्ट्रीट लाइट जो जलते रहता है, तो स्ट्रीट लाइट का रोशनी, या तुम खुद सोचो तुमको स्ट्रीट लाइट लगाना है, लेट सपोज तुमको स्ट्रीट लाइट लगाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो बड़का ठेकेदार है, तुमको स्ट्रीट लाइट लगाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। जीवन में कभी किसी लोगों ने स्ट्रीट लाइट नहीं देखा था, तुम फिजिक्स पढ़ के आए हो, गवर्नमेंट ने कहा कि बच्चा फिजिक्स पढ़ के आया है, इसको स्ट्रीट लाइट बनाने का आइडिया देते हैं। एक बात बताओ, तुम गया स्ट्रीट लाइट बनाने, तो तुम स्ट्रीट लाइट जो बनाओगे तो क्या चाहोगे तुम, रोशनी एक जगह पर फोकस हो कि चारों तरफ छितराए, छितराए भाई। स्ट्रीट लाइट में थोड़े किसी को पढ़ना है, राजेंद्र प्रसाद थोड़े बनना है कि बैठ के पढ़ेंगे उसमें, समझ रहे हो ना बात। तो हमें तो पूरा रोशनी को छितराना है चारों तरफ, जितना मैक्सिमम एरिया में छितरा सके। स्ट्रीट लाइट का काम क्या है, ज्यादा से ज्यादा एरिया में रोशनी पहुंचाना, किसी एक जगह पर फोकस करना तो उसका काम नहीं है। तो हम कौन, अब छितराने का काम कौन करता है, कन्वेक्स मीटर, कौन करता है कन्वेक्स मीटर। तो हम क्या करेंगे, बल्ब लगा देंगे और बल्ब के पीछे में रिफ्लेक्टर के रूप में क्या लगा देंगे, कन्वेक्स मीटर लगा देंगे। तो कन्वेक्स मीटर क्या करेगा, सारे लाइट रेज को छितरा देगा। तो ये भी इसका यूज हो गया। तो कन्वेक्स मीटर का इस्तेमाल हम रिफ्लेक्टर्स के रूप में भी करते हैं इन स्ट्रीट लाइट्स। तो यही दोनों यही यूजेज थे किसके, कन्वेक्स मीटर और कनकेव मीटर के। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। चार यूजेज मैंने कनकेव मीटर का बताया, ENT स्पेशलिस्ट के द्वारा किया जाता है। दूसरा, सेविंग मीटर और मेकअप मीटर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हेडलाइट या सर्च लाइट में रिफ्लेक्टर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट में बताया कि सोलर फर्नेसेज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर इधर देखो आप कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल देखो, तो कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है, दो रीजन की वजह से, बिकॉज हर एक सिचुएशन में ये इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। और दूसरा, इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत बड़ा है, तीनों में सबसे अधिक है। दीज आर द टू रीजंस। सेकेंड इसका यूज था, इसका इस्तेमाल आप मिरर शॉप में स्पाई मिरर के रूप में किया जा सकता है, दुकानदार पूरे दुकान पर नजर रख सकता है इस मिरर की मदद से। और नेक्स्ट था कि इसका स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट्स में रिफ्लेक्टर के रूप में आप कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी इसका एक यूज हो गया। तो ये सारे यूजेज हो गए। देखिए कनकेव मिरर का अगर आप और देखो कितने, अगर एस्टांड आप पढ़ोगे ना, तो वहां पर लिख दिया जाता है कि वो डिस एंटीना में भी कनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। सच में वो कनकेव मिरर नहीं होता है, लेकिन अगर कभी आप जीवन में डिस एंटीना देखे हो, चूंकि वो भी लिखा रहता है तो मैं समझा देता हूं। कभी अगर आप जीवन में डिस एंटीना देखा हो, तो डिस एंटीना में एक लंबा सा डिस होता है, कनकेव भी होता है, वो धसा हुआ होता है ना, कनकेव भी होता है, सामने में एक माइक लगा होता है, माइक जैसा लगा होता है ना, माइक नहीं है सच में, वो रिसीवर है। तो देखिए जो डिश एंटीना काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, आपके घर में जो चैनल चल रहा है, लेट सपोज कि आप IPL देख रहे हो, ठीक है ना, स्टार स्पोर्ट्स पे, तो स्टार स्पोर्ट्स पे IPL आ रहा है, तो IPL तुम्हारे टीवी के अंदर में तो मैच नहीं हो रहा है, मान लो कि मैच तो UAE में होगा, शुरू होने वाला है 19 सितंबर से, तो मान लो कि UAE में तुम्हारा मैच चल रहा है IPL का, तो UAE में कैमरा लगा है, वहां पर मैच आया, फिर उसको कैमरा रिकॉर्ड करता है, फिर उसे ट्रांसमीटर में डाल के सैटेलाइट्स में जाता है, और सैटेलाइट से आता है क्या, वेव्स, सैटेलाइट से आता है वेव्स, और आपके घर के छत पे लगा हुआ आपका डिश एंटीना, तो वो वेव्स आएंगी और उस डिश एंटीने पे टकराएगी, और चूंकि वो कनकेव है तो वो क्या करेगा, सारे को कन्वर्ज करेगा अपने फोकस पर, और फोकस पे ही मैंने क्या लगा दिया, वो माइक लगा दिया, तो यहाँ पर डिश है, यहाँ पे फोकस पे मैंने माइक लगा दिया, तो सारी की सारी वेव्स किस में आ जाएंगी, इस रिसीवर में आ जाएंगी ना, और फिर नीचे आएगा तो हमारे घर के अंदर में एक DTH लगा हुआ है, उस DTH से फिर वो पिक्चर बन के हमारे टीवी पर दिख जाएगा, समझा। तो ये प्रिंसिपल होता है। तो कन्वर्जिंग, यहाँ भी कन्वर्जिंग का काम है ना, सारे आने वाले सारे वेव्स को मुझे एक पॉइंट पर जमा करना है, तो जमा करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कनकेव का इस्तेमाल करेंगे। कन्वर्जन का काम जहां भी होगा, कन्वर्जिंग का काम जहां भी होगा, वहां हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कनकेव का इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप आपको सारे दोनों मिरर्स के यूज समझ में आए होंगे। तो रिफ्लेक्शन हमारा कंप्लीट खत्म हो गया, रिफ्लेक्शन में अब हमें कुछ नहीं पढ़ना, रिफ्लेक्शन मेरा कंप्लीटेड है। दो लेक्चर्स और आएंगे जो 10th के लिए नेसेसरी तो नहीं है, लेकिन आप चाहो तो पढ़ सकते हो, मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन का प्रूफ कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर में, तो वो दोनों आ जाएंगे। लेकिन अब आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीटेड है, रिफ्लेक्शन का जहाँ से चाहे आप एक्सरसाइज बना सकते हो। फिर 2-3 दिन का गैप लेंगे और उसके बाद फिर से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू सून, बाय बाय।